दो लोगों को बिठाकर अभी भी हम चला रहे हैं 47 की टॉप स्पीड, 48 की टॉप स्पीड हम चला रहे हैं। तो सोच चाले पल भी, वेलकम बैक टू द चैनल। ये दिन का दूसरा पार्ट है जहाँ पे मैं आया हूँ एवरग्रीन ई जोन पे, इनका ये जेनेक्स प्रोडक्ट जो है वो देखने के लिए, क्योंकि ये भी मेरी लिस्ट के अंदर नाम था इसका और ये प्रोडक्ट बहुत ही प्रैक्टिकल है। बाकी सारे प्रोडक्ट जो मैंने दिखाया है वो भी प्रैक्टिकल है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही वैल्यू फॉर मनी निकलता है। अब क्या है कैसा है वो तो सर आपको वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा। तो चलते हैं इस शोरूम के अंदर। कमलेश सर से मिला, कमलेश भाई पटेल से, और इनका ये शोरूम है और यहाँ पे इन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से सारे व्हीकल समझाए। मैंने एक व्हीकल सिलेक्ट किया है, मैं आपको उस व्हीकल का रिव्यू दिखाने जा रहा हूँ। तो चलते हैं अब सीधा व्हीकल पर। व्हाट इज अप यूट्यूब, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं जेनेक्स का, जो कि जॉय ई बाइक की तरफ से है, और इसमें आपको दिखाने जाएंगे क्या क्या कंफर्ट फीचर्स है, कितने मोड्स आते हैं, कितने पावर के साथ ये आता है, कितनी रेंज के साथ आता है ये स्कूटर। आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है कि नहीं हो सकता, हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को इस गाड़ी की चाबी के साथ। चाबी कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, आपको अंदर की तरफ पैटर्न मिलेगा जो कि बहुत ही सिक्योर रहता है, गाड़ी कोई चोरी नहीं कर पाएगा बहुत ईजीली। इसके साथ आपको रिमोट मिल जाता है जिसमें आपको अनलॉक फैसिलिटी, लॉक फैसिलिटी, सायरन मिल जाता है आपको, और ये जो बटन है बिजली जिसमें लगी हुई है उसको दो बार प्रेस करते ही गाड़ी चालू हो जाती है आपकी। देखिए यहाँ से रिमोट ऑपरेटेड, अगर आपको रिमोट ही है आपके पास तो गाड़ी आप इजीली एक्सेस कर पाओगे। तो 3.0 से 10 रेडियस का ये टायर मिलता है आपको, मतलब 10 इंच का टायर मिलेगा जिसमें 3.0 की विड्थ मिलेगी आपको। आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। तो यहाँ के फ्रंट जो शॉकअप्स है वो आपको थोड़े हैवी वाले मिलेंगे जो कि अच्छी बात है। ब्रेक कैलिपर की अगर मैं बात करूँ तो सिंगल पिस्टन ब्रेक कैलिपर मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रेक लाइन दी गई है वो ज्यादा टिकाऊ ब्रेक लाइन है। फ्रंट वाले पोर्शन की बात करो तो ये हैवी प्लास्टिक से बना हुआ है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। यहाँ पे फ्रंट में भी ऊपर की और भी फ्रंट वाला जो जितना भी पोर्शन, जितना भी प्लास्टिक यूज हुआ इस व्हीकल के अंदर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक मुझे तो लगा है। डे टाइम रनिंग लाइट भी मिल जाएगी आपको और ड्यूल एलईडी हेडलाइट्स भी मिल जाएगी हाई बीम और लो बीम के साथ। टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको माउंट मिल जाएंगे जो कि हेलोजन यूनिट है, ये एलईडी होता तो ज्यादा अच्छा रहता। यहाँ पे आप अगर साइड की प्रोफाइल की बात करते हो, यहाँ पे रिफ्लेक्टर इस और दूसरी ओर दोनों तरफ मिल जाते हैं। यहाँ पे बैठ के दिखाता हूँ, मेरी हाइट है 5'9" और उस हिसाब से मुझे ये पोर्शन जो मैं बैठा हूँ वो कंफर्टेबल लग रहा है। बस ये थोड़ा सा दिक्कत शायद हो रहा है, लेकिन मेरी हाइट की वजह से शायद दिक्कत हो रहा है। अगर आपकी हाइट 5'6" से अराउंड है तो आपको ज्यादा कंफर्ट मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। अभी बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। इसको चालू करते ही पहले बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, साइड इंडिकेटर्स, हाई बीम, लो बीम, कितना किलोमीटर चला है। यहाँ पे कोई ट्रिप मीटर ऐसा नहीं मिलता जिसको आप रीसेट कर पाओ, सारा का सारा पहले से हिसाब किताब है, जीरो से शुरू किया आगे बढ़ते जाना। इस वाले प्लास्टिक मॉड्यूल की मैं बात करूं तो ये हैवी प्लास्टिक यूज है, यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है, मतलब अप टू द मार्क बिल्ड क्वालिटी है। जितना भी प्लास्टिक इसमें यूज किया बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। थ्री मोड का आपको ऑप्शन मिल जाता है, 1, 2 and 3 पे। ये जो रेड वाला बटन दिख रहा है वो ड्राइव और रिवर्स दोनों का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको बटन से ऑपरेटेड मिलता है, आपको कोई बटन प्रेस करके रखना नहीं है। आप जैसे यहाँ पे ड्राइव में रखते हो गाड़ी आगे जाती है, रिवर्स में लगाते हो गाड़ी पीछे जाती है। तो हॉर्न, यहाँ पे सामान रखने के लिए टांगने के लिए छोटा सा हुक मिल जाता है, आपको छोटी सी यहाँ पे स्टोरेज मिल जाती है जहाँ पे अपना सामान रख सकते हो। यहाँ पे आपको फैसिलिटी में यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फोन को लगा के सीधा आप यहाँ पे बकेट में रख सकते हो जो कि बहुत ही इजी हो जाता है फोन कैरी करने को। अब बात करते हैं इसके डेक के बारे में। डेक की क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे जो ग्लॉसी फिनिश में जो प्लास्टिक है हैवी प्लास्टिक वाला हिसाब किताब है। यहाँ पे ये जो प्लग देख रहे हो ये चार्जिंग का प्लग मिल जाता है आपको, यहाँ से डायरेक्टली आप गाड़ी की बैटरी चार्ज कर पाओगे। साइड स्टैंड मिल जाता है जो कि स्टर्डी है, अच्छी क्वालिटी का, और यहाँ पे आपको मेन स्टैंड भी मिल जाता है गाड़ी के साथ। फ्रेम में जो आपका स्विंग आर्म आता है वही रेगुलर वाला स्विंग आर्म मिलता है आपको यहाँ पे, लेकिन उसके ऊपर इन लोगों ने पैडिंग लगा के रखी है, ब्लैक वाली जो पैडिंग है जिससे ये हिस्सा खाली दिखता नहीं है, भरा भरा दिखता है। पीछे की ओर आपको जो ये मड गार्ड मिलता है वो स्टडी सा मड गार्ड है, थोड़ा फ्लफी है लेकिन स्टडी सा है जो कि ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे आपको मोटर मिल जाएगी, मोटर की इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कितने वोल्ट की मोटर है, कितना पावर आउटपुट ये जनरेट करती है। दोनों तरफ आपको शॉकअप्स मिल जाएंगे, ड्यूअल शॉकअप्स वाला सेटअप है पीछे की ओर, और जैसे कि आप देख पाओगे जॉय ई बाइक की ब्रांडिंग है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक स्कूटर, नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, मेड इन इंडिया ये गाड़ी रहती है पूरी। पीछे की तरफ आपको एलईडी बैकलाइट मिल जाएगी और जो टर्न इंडिकेटर्स है वो आपको हेलोजन में मिलते हैं। इस गाड़ी के साथ आपको पीछे की तरफ बैकरेस्ट भी मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अगर पिलियन राइडर को कंफर्ट चाहिए
तो उसकी तरीके से बैकरेस्ट भी आपको यूज़ में आएगा। ग्रैब बार यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का है, मजबूत सा लग रहा है, अच्छी क्वालिटी का ग्रैब बार और पीछे बैकरेस्ट आपको मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे की तरफ भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, तो सिंगल कैलिपर डिस्क ब्रेक यहाँ पे आपको मिलता है। 190mm का रेडियस है डिस्क का और पीछे की तरफ शॉक ऑब्स है। इस तरफ भी क्लैडिंग लगी हुई है ब्लैक कलर की, जिससे जो स्विंग आर्म वाला पोर्शन है वो आपका छुपा रहता है, लेकिन वर्क बहुत अच्छे से करता है। ये बातें हो गई गाड़ी के बाहर की तरफ से। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि गाड़ी का इंटरनल पोर्शन कैसा है, किस तरीके से इसमें मैनेजमेंट किया है स्पेस का। गाड़ी यहाँ पे पुराने तरीके से खुलती है, चाबी आपको लगानी पड़ेगी यहाँ पे, जिसे ये अनलॉक होगा और उसके बाद गाड़ी आपकी एक्सेस कर पाओगी। यहाँ पे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो अंडर सीट स्टोरेज है वो आपको ज़्यादा मिलता है, और यहाँ पे बैटरी भी आपको फ्लिप के साथ मिलेगी। यहाँ पे जो इंटरनल बैटरी है वो रिमूवेबल बैटरी मिल जाती है आपको। इसको अनप्लग करना है, इस प्लग को आप अनप्लग करके बैटरी निकाल भी सकते हो, और बैटरी रिमूवेबल रहती है पूरी की पूरी। बैटरी की डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, सारा का सारा मैंने दिया हुआ है, आप एक बार चेक करना ज़रूर है, ठीक है। तो बैटरी को लगा लेंगे वापस। बैटरी प्रोटेक्शन के लिए आपको पहले तो फाइबर का एक केस मिलता है, उसके बाहर की ओर आपको स्टील का भी एक अलग से फ्लिप मिलता है, जिसकी वजह से बैटरी आपकी वाटर डैमेज होने से बच जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आपको बैटरी का कंपार्टमेंट मिलता है यहाँ पे। आप इसको बंद करके अपना सामान इसके ऊपर रख सकते हो। इसके अंदर भी आपको एक MCV मिल जाता है, अगर आपकी गाड़ी घर पे या फ्लैट के नीचे खड़ी रहती है बहुत टाइम तक, तो आप इस MCV को बंद कर सकते हो, जिससे आपकी बैटरी यूज़ में ना आए। इसको ऑन करने के बाद ही आपकी गाड़ी यूज़ हो सकती है, आपकी बैटरी काम में आ सकती है। बाहर से दिखा दी गाड़ी पूरी, इंटरनली दिखा दी आपको क्या स्पेसिफिकेशन है वो भी आपको मैंने बता दिए। अब बारी है गाड़ी को चलाने की, मैं दिखाऊंगा आपको चला के कि गाड़ी कैसे कितनी स्पीड पर ऑपरेट होती है। तो इसको मैं जैसे एक्सेलरेशन दूंगा तो इस गाड़ी का टॉर्क तो भाई मानना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से टॉर्क डिलीवर होता है। गाड़ी अभी चल रही है हमारे फर्स्ट मोड के अंदर, और इसको जैसे ही एक्सेलरेशन देते हैं तो ये गाड़ी अच्छी तरीके से टॉर्क से पुल करती है। तो मेरी हाइट 5'9" है और उस तरीके से मुझे गाड़ी इनफ कम्फर्ट दे रही है। थोड़ा बकेट की तरीके से मैं बैठा हूँ, लेकिन ओवरऑल कम्फर्ट इज ओके। हैंडल बार अच्छी रीच के साथ आ जाते हैं, और गाड़ी में जो मेन चीज़ मुझे जो हाईलाइट लग रही है वो है इसका पावर। ये जब आप थर्ड मोड या सेकंड मोड के अंदर गाड़ी आप पुश करना चालू करोगे तो अच्छे टॉर्क के साथ गाड़ी आपको पिकअप देती है, ये ज़्यादा इसका प्लस पॉइंट लगा मुझे। अगर आप इस गाड़ी को लेने की सोच रहे हो तो 3-4 चीज़ें आपको मेन इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो इसका पावर आउटपुट जो है वो ज़्यादा है, मतलब अगर आपको टॉर्क वाली गाड़ी चाहिए, अगर आपको पावर वाली फील चाहिए तो ये गाड़ी आपको देगी। इलेक्ट्रिक गाड़ी का जो मज़ा है वो इस गाड़ी में भरपूर मिलेगा आपको। बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की बहुत बढ़िया है, ये इसका सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट है इसका कैपेसिटी, जो आपको लगेज कैरिंग कैपेसिटी मिलता है वो आपको इसमें बढ़िया मिलेगा। टर्निंग रेडियस भी मैंने इसका देखा, बहुत ही अच्छा है। अगर आपको स्पीड में नहीं जाना है, आपको क्रूज करना है 40 की स्पीड के आसपास, तो आप इसमें बहुत ही आराम से कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी हम आपको दो लोगों को बिठाकर इसकी कैपेसिटी आपको दिखाएंगे कितनी तेज ये कितने अच्छे तरीके से कंफर्ट तरीके से चलती है। ध्रुवमीन भाई का वेट रहेगा यहाँ पे 60 kg और मेरा 75 kg, दो लोगों को बिठाकर ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। फिर गाड़ी ने पुल करना चालू करती है, ऑलमोस्ट मैंने फुल थ्रॉटल दे रखा है यहाँ पे। गाड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से पुल करती है गाड़ी, जो इसका मेन मेजर पॉइंट मैं बता सकता हूँ, पावर इसका मेजर पॉइंट है। अभी भी पुल कर रही है अप टू दी 46 का मार्क। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, दो लोगों को बिठाकर गाड़ी ने 47 तक की स्पीड बहुत ही इजीली अचीव की। तो ध्रुमिल भाई बैठ गए यहाँ पे मेन सीट पर, और मैं यहाँ पे पीछे की सीट पे बैठा हूँ। यहाँ पे फुटरेस्ट जो दिया गया वो थोड़ा आगे की साइड दिया गया है, जो अलग चीज़ है थोड़ी। पीछे की तरफ मुझे बैकरेस्ट मिल रहा है और अच्छी खासी स्पेस में मैं बैठा हूँ, कम्फर्ट वाला जोन में बैठा हूँ, ऐसा नहीं कि क्रम्बल हो गया। अब ध्रुमिल भाई चलाएंगे और बताऊंगा भाई पीछे कैसा कंफर्ट मिलता है। दो लोगों को बिठाकर अभी भी हम चला रहे हैं 47 की टॉप स्पीड, 48 की टॉप स्पीड हम चला रहे हैं। दो लोगों को बिठाकर गाड़ी ने पुल कर दिया और शोरूम तक भी पहुंच गए हम लोग। राइडिंग डायनेमिक्स मुझे इस गाड़ी के बहुत ही अच्छे लगे, ब्रेकिंग भी इस गाड़ी की बहुत ही अच्छी है। सिंगल पिस्टन होने के बावजूद इस गाड़ी की ब्रेकिंग अच्छी है, और सस्पेंशन भी बहुत ही अच्छा लगा है मुझे। दो लोगों को बिठाकर मुझे इनफ सस्पेंशन मिल रहा था, ज़्यादा जर्क लगा नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग पैच मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी ये गाड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। अच्छा अच्छा ओके ओके ओके, ये ढलान हमने चला ली है और हम आगे वापस एवरग्रीन ई जोन पर। तो पटेल सर है यहाँ पे और ये आपको बताएंगे, सर ये गाड़ी इतना जो अच्छा अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ इतना अच्छा पावर पिकअप जो दे रहा है, इसका प्राइसिंग किस तरीके से है और इसमें क्या क्या सब्सिडी लागू पड़ती है सर? इस गाड़ी की प्राइस है 71,500 और उस पे स्टूडेंट के नाम पे आपको 12,000 सब्सिडी मिल सकती है। बिल्कुल, मतलब 72,000 पर भी हम 12,000 ऑफ कर सकते हैं स्टूडेंट के नाम पर सब्सिडी लेकर। ये तो बहुत ही अच्छी डील रहेगी। ये सफर था हमारा एवरग्रीन मोटर्स के साथ, गाड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, मजबूत गाड़ी। अगर आप सोच रहे हो कि लंबे समय तक आपको चलानी है, घर में भी सब यूज कर पाए, हाइट छोटी हो फिर भी यूज कर पाए, पावर और आपको टॉर्क ज्यादा चाहिए, मतलब ऐसे राउंड करते ही आपकी गाड़ी चल निकले,
तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। बस यही था कहना, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और हाँ बताओ कमेंट में कैसा लगा मेरा वीडियो। ठीक है, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। नई एक गाड़ी देखने जानी है, वो भी जाएंगे लेकिन थोड़े दिनों बाद।